हेलो गाइस, वेलकम टू गेमिंगस्तान। तो अपना मोबाइल रिपेयर होके आ चुका है और मैंने एक नया माइक खरीद लिया है, इसलिए अब ऑडियो क्वालिटी भी सुधर चुकी है। और वीडियो की बात करें तो हाँ, ये गेम प्ले वीडियो होने वाला है, क्योंकि बाकी के वीडियो बनाने में टाइम और मेहनत बहुत लगती है, लेकिन जितना सपोर्ट वो वीडियोस डिजर्व करते हैं उतना मिलता नहीं है। इसलिए अब इस वीडियो पे आपको सपोर्ट देना है नहीं देना है, ये आपकी मर्जी। और हाँ, मैं हमेशा अपना एम असिस्ट ऑफ करके रखता हूँ, इसलिए इस गेम में कई बार मेरे एम फ्लक्चुएट हुए हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके नूब नूब स्पैम मत करना। और अब बात करें गेम प्ले की, तो इस गेम में आपको पता चलेगा कि एक चिकन डिनर के लिए आपको टीम कैसे रखनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब प्लेन पाथ के स्टार्टिंग में ही आ गया था मिलिट्री बेस का हॉट ड्रॉप, और मिलिट्री बेस में मैं ना उतरा ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैं चारों को लेके कूद गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लो कि मैं इस टीम में हूँ एसॉल्टर, मेरा नंबर वन का प्लेयर है मेरा सपोर्टर, हमारा नंबर फोर है स्नाइपर। लॉन्ग शॉट सिर्फ वो लेगा, हम बीच बीच में नहीं करेंगे उसके। और नंबर टू को रोल था कलेक्टर का, लेकिन वो चलते ही मारा जाता है, इसलिए उसका रोल हम तीनों को निभाना पड़ता है। तो आप सिर्फ देखो कि हम लोग कितने कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं। सो लेट्स एंजॉय द गेम। अब मेरा प्लान ये था कि मैं सी बिल्डिंग की बीच वाली बिल्डिंग पे कूद के एक आधी गन उठा के लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग पे पुश कर दूँ, और मैंने वैसा किया भी, लेकिन मुझे उस बिल्डिंग में कोई नहीं मिला। बट मैं जिस बिल्डिंग से आया था उस बिल्डिंग में मेरा दो नंबर का बंदा मारा गया किसी के तो भी हाथों। तो मैं दूसरी बिल्डिंग में था, इसलिए मैं उसको बचा तो नहीं पाया, लेकिन उसको जिसने मारा मैं उसके मारने के लिए तुरंत पुश कर दिया। मेरे नेड़ से वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो मेरे बस एक दो बुलेट से ही वो नॉक हो गया। अब मुझे लग रहा था कि उसे बचाने उसका कोई भी टीममेट आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा तैयारी में था ही, लेकिन उसका कोई भी बंदा नहीं आया, तो बस उसे लूट के मैं चल दिया वहाँ से, क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब मैं इस मिलिट्री बेस के बाजू वाले कंपाउंड की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे मुझे दो बंदे गुजरते हुए दिख गए। अब एक को तो मैंने काफ़ी डैमेज दे दिया था, अब इस जगह पर अगर मैं होता तो पहले हील कर लेता, लेकिन ये बंदा वन एचपी पे फाइट करने लग गया और बस एक बुलेट खाते ही नॉक हो गया। अब इसके बाकी दो बंदों की फाइट मेरे बंदों से हो गई, और उन्होंने मेरा एक बंदा नॉक कर दिया और मेरे बंदे ने भी उसका एक नॉक कर दिया, तो मतलब हम दोनों के भी एक एक बंदे जिंदा थे, और मेरे बंदे ने उसका आखिरी बंदा भी फिनिश कर दिया। बस हो गई उनकी पूरी टीम ख़त्म और हमने सर्वाइव कर लिया सिर्फ कोऑर्डिनेशन की वजह से। अब वहाँ से निकलने के बाद इस फैक्ट्री की तरफ से मुझे कुछ गन फायर के साउंड सुनाई दिए थे, और इधर आने के बाद मुझे बंदे भी दिखाई दिए, उनमें से एक तो मैंने यहाँ से ही नॉक कर दिया, तब मुझे पुश करने का अच्छा खासा चांस मिल गया था। मैंने इस नॉक बंदे को फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन उसके बंदे ने कवर फायर दे के मुझे रोक लिया। उसका बंदा जो नॉक था अभी कवर में चला गया था, तो मुझे जो बंदा जिंदा था उस पर अब पुश करना था, और मेरे बंदे भी पीछे से कवर दे रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं मरते मरते बचा गया। इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, अपना अच्छा खासा कवर छोड़ के आगे आ गया इस ब्लॉक के पीछे, और बस कुत्ते की मौत मारा गया। अब यहाँ पर अच्छी खासी लूट करने के बाद हमें मिलिट्री बेस के इन कंटेनर की तरफ से कुछ गन फायर के साउंड सुनाई दे रहे थे, तो हम इधर आ गए, लेकिन दो बॉट्स के अलावा यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। अब वहाँ से निकलने के बाद एक निब्बा निब्बी का जोड़ा यहाँ पे हमें टहलता हुआ दिखाई देता है, और हम ठहरे बजरंग दल वाले एक ही स्पेल दोनों को लपेट लिए, रेंगने तक का मौका नहीं दिया, तुरंत फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे मेरा कैरेक्टर थोड़ा अटक जाता है, मैं थोड़ा मूवमेंट नहीं कर पाता, लेकिन सामने मुझे बॉट या बंदा कुछ तो दिख जाता है, और एक स्प्रे में उसका भी काम कर देता हूँ। अब उसके बाद और दो बंदे ढूंढने के लिए हम आ जाते हैं इस स्नाइपिंग टावर पे, और सामने ही हमें कुछ बंदे दिखाई देते हैं भागते हुए। ये बंदा M4 के स्प्रे से तो बच जाता है, लेकिन DP के स्प्रे में जैसे तैसे आ ही जाता है और नॉक हो जाता है।
अब यहाँ पर मैं अपना किल गंवाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट फिनिश कर दिया और सीधा जाके उसे लूटने के लिए कूद दिया। और वहाँ से आगे आते ही मुझे ये महाशय किसी को ताड़ते हुए दिखाई दिए, तो बस फेल दिया। अब यहाँ से अच्छी खासी लूट करके हम चल दिए ब्रिज ब्लॉक करने। अब गाइज हम लोग बहुत देर से यहाँ पर ब्रिज ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता था। और मेरा 4 नंबर किसी को तो भी देख रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी देख लूँ। तो मुझे उधर एक बंदा दिखाई दिया, लेकिन मैं उसे यहाँ से तो नहीं मार पाया। तो मैंने सोचा कि मेरे बंदों को लेकर मैं सीधा उस कंपाउंड पर रश कर दूंगा, तो शायद हमें 1-2 किल मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मैं गाड़ी में बैठ के गाड़ी घुमाता हूँ और मेरे बंदों को बोला था गाड़ी में बैठने के लिए, तभी हमारे पास से एक गाड़ी गुजरती है और वो सीधा 4 नंबर को नॉक कर देती है। अब यहाँ पे से जाने का तो प्लान कैंसिल करना पड़ा, इसलिए मैं वहाँ पे कूद गया और देखा कि क्या मैं उस गाड़ी वाले को यहाँ से गिरा सकता हूँ। तो मैंने अपना EDS ऑन किया, लेकिन वो तब तक बहुत दूर जा चुका था। तो हमने पहले अपने 4 नंबर को रिवाइव किया और यहाँ से उस बग्गे वाले को ढूंढने के लिए हम निकल गए। अब हमने देखा था कि इस तरफ एक ड्रॉप भी गिरा था, तो सोचा कि अगर वो गाड़ी वाला नहीं मिला तो कम से कम ड्रॉप तो मिल जाएगा। लेकिन सामने हमें एक गाड़ी लगाई हुई दिखी, तो हमने उसके आगे वाले कंपाउंड में अपनी गाड़ी रोकी और उसके अंदर चल दिया, ताकि यहाँ से अच्छा खासा एंगल मिल सके, क्योंकि हमें नहीं पता था आगे वाली बिल्डिंग में कितने बंदे हैं। अब यहाँ पर से तो मुझे कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि साइड वाली बिल्डिंग से शायद कोई दिख गया। लेकिन साइड वाली बिल्डिंग में भी वही हाल था, कोई एंगल नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने का तय किया। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, वहाँ पर से भी मैंने बहुत देखा, लेकिन आगे वाली बिल्डिंग में कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन हमें कन्फर्म था कि वहाँ पे बंदे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम पुश कर देंगे, इसलिए कूद गया। लेकिन मुझे मेरे बिल्डिंग से ही फुटस्टेप आ गया, अब मुझे दिख गया एक बंदा, लेकिन मैं उसे मारने लगा तो मेरा गेम हैंग करने लगा, इसलिए मैंने सोचा नीचे जाना ही ठीक है। लेकिन तभी मुझे बैकअप देने के लिए मेरा सपोर्टर आ गया और बस हमने फिनिश कर दिया। लेकिन उतने में हमारा 4 नंबर उधर नॉक हो गया था, इसलिए हमें उसे बचाने के लिए भी जाना था। तो फिर मैं चल दिया वहाँ पे उसको बचाने, वो भी नीचे आ गया था, तो उसको नीचे ही रिवाइव कर दिया और मैं चल दिया ऊपर के फ्लोर पर सीधा टेरिस पे। अब मैं यहाँ पे से लेट गया और मुझे सामने दिख रहा था बंदा, लेकिन अगर मैं उठ जाता तो वो मुझे मार देता, इसलिए मैं वेट कर रहा था मेरे 4 नंबर को उसको मारने का, और बस मेरे 4 नंबर ने उसको ठोक दिया। इसलिए स्नाइपर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस टीम में। तो बस वो डायरेक्ट फिनिश हो गया था, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं था कि इस बिल्डिंग में और कोई होगा, तो मैं चल दिया उसको लूटने। अब यहाँ पर अच्छी खासी लूट लाट करके हम वापस चल दिए जिस बिल्डिंग में हम पहले थे, और यहाँ पर सामने एक घास में लेटा हुआ सांप दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि एक तो शॉट में ले लूँगा, लेकिन 4 नंबर में ठोक दिया। स्नाइपर भाई स्नाइपर। अब हम 3 थे और आगे वाले 2 बंदे बचे थे। अब मुझे बहुत ज़्यादा शक था कि वो ऊपर रिज पे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सेफली खेल रहा था। अब यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद और वेट करने के बाद मैंने सोचा कि अभी ऊपर रिज पे जाके स्पॉट करता हूँ बंदे, वहीं से कुछ मिलेंगे नीचे। तो मैं चल दिया रिज के ऊपर, लेकिन तभी मेरे एक बंदे को ऊपर से फायर आके नॉक कर दिया 4 नंबर को। अब मुझे कंफर्म हो गया था कि बंदे ऊपर ही है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रहा था और मुझे आगे दिख गए लेटे हुए। उसमें से मैंने एक को नॉक कर दिया और दूसरे पे फायर कर रहा था, लेकिन उसको बुलेट्स लगी नहीं रही थी। अब बात ये थी कि उसको मेरी लोकेशन पता थी, इसलिए मैं थोड़ा पैनिक हो गया। लेकिन उसका दूसरा बंदा कुछ ऑफलाइन लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने उसको भी ठोक दिया और बस चिकन डिनर। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी जाके उस लाइक बटन को नीला कर दो और सब्सक्राइब बटन को काला कर दो। तो चलो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। और हाँ गाइज, जो भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं यू आर वेलकम गाइज, यू आर वेलकम। जल्दी से अपने 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो। अरे 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 रुको भाई रुको, ऐसे नहीं चलेगा। अगर वीडियो पूरा देखा है तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। जल्दी यहाँ पर क्लिक करो और सब्सक्राइब कर दो। आउट्रो कंटिन्यू।